राजा हूँ राज महप्पा का, और तूने सब किला पर जाकर के किला को लूटता है, मानव को बध करता है, लेकिन आज से मेरा इच्छा होता है भैया, अब बताओ दोनों, मेरा इच्छा होता है जो लड़ने फिरने का मैंने कार्यक्रम छोड़ दूं और ये जितना लड़ने का हथियार है सब भैया आल्हा को चरण में जाकर के सुपुत कर दूं। देवनंदन, अब तुम दोनों समाचार बताओ, ये तुम दोनों को क्या समाचार है, आज 7 रोज पर तू दोनों लौट करके मोहब्बी आए। प्रभु आपके चरण की कृपा से दोनों दोस्त का कुशल तो बहुत अच्छा है, लेकिन भैया आज हम दोनों दोस्त कुछ सोच करके आपके पास आए, कुछ आपसे बात करना है। प्रभु क्या इस क्या खुशखबरी लेकर के आए हो, यही बताओ, यही खुशखबरी भैया जो दोनों दोस्त लड़ने फिरने के लिए छोड़ दिया, और जितना लड़ने का हथियार है गोली बंदूक तोप सब भैया का चरण में जाकर के सुपुत कर दूं, आज तारीख से हम दोनों लोहा नहीं उठाएंगे भारत में। अब तो हम दोनों दोस्त का चौथा पैनावस्था गुजर रहा है, बीच बीच भर का चाम लटक गया है देहिया में, केस पक गया, दांत टूट गया है, अगर किसी किला वालों से युद्ध में मूर्छित हो गया, एक किला का छत्री रुदल देवा के नाम पर थूकेगा भैया। एक जरा सा तुम दोनों को चेतावनी दिया तो अब तुम अपना बहाना लगाता है, जो जितने मेरे बाना है हाथों का भैया आपके चरणों में सुपृत कर दो, आज से मैं किसी किला लड़ने के लिए नहीं जाऊं, नहीं जाऊं। मैं किस लिए कहा इतना तो तुम समझा नहीं दोनों, समझाइए है तो तुम मूर्ख। मैं इसलिए कहा जो मानव की जिंदगी का कोई गारंटी नहीं है, सो तो ठीक है, तो लड़ना झगड़ना छोड़ करके अपने मोहब्बा राजपाट पर ध्यान दो। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजा बार, तारुवर से पात भूमि पे टूट गिरे, बहुरी न लागही डार। देवनंदन अगर मेरे जीवन अंत होने के बावजूद क्या ये वीरता किस तरह से तू संभाल करके मोहब्बा में रखेगा, एक जरा सा कहा जो तू किसी किला लड़ने नहीं जाओ तो सारे हथियार तू मेरे चरणों पर सुपृत करता है। हाँ भैया, उसका जुगुत भैया बताएगा जो कैसे राज महप्पा रहेगा, लेकिन मैं लोहा नहीं उठाऊंगा बिल्कुल नहीं। अगर तू लोहा नहीं उठाएगा मोहब्बा तो महोबा का वीरता कौन बनेगा, इसके लिए तो अब सोचना पड़ेगा। अब सोचिए की बात है भैया, एक एक जॉइन है मोहबे के अंदर, कोई है 12 कोई 18 कोई खिस्ता है नंगी तलवार, तो जाकर के मीरन को सामने में बुला लाओ, मैं अपने वीरता के लिए सोच लूंगा, ये तुम दोनों मत धिकार वाला सिंह का, चलो मीरन को बोलाओ। हाँ अरे कौन पहना के चूड़ी गोर से दबा के चूड़ी हरावाने चूड़ी हरावाने चूड़ी डाल के सरकार चूड़ी हरावाने चूड़ी डाल के सरकार चूड़ी हरावाने चूड़ी डाल के सरकार।
सरकारे सुनाई मालिक के बीच में जो मंत्री भी आई राजपाट सारा समाचारे सुनाई अपन भी पटिया कही अपन भी पटिया कही ताके हम मालिक के सुनाई बेना सुनाई बेना हमर अपन कहानी ताके सुनाई बेना तुरी हरा बारे तुरी काल के सरका के तुरी हरा बारे तुरी काल के सरका के तुरी हरा बारे तुरी काल के सरका महाराज की जय हो कहिए महाराज पहले बड़े भैया के पास जाकर के देखिए बड़े भैया इससे पहले महाराज अपने बड़े मालिक को इतना चरण को सेवा किए हैं उसका तो वर्णन नहीं है महाराज कि हम गलती कहते हैं कि झूठ कहते हैं सो कहिए मेरा सही कहता है यार हाँ महाराज मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया हो आज क्यों महाराज अपने दरबार में मेरा कह के सुनाइए महाराज ये दोनों लड़का लोग आज रूठ गया जो जरा सा चेतावनी दिया जो किसी के लिए लड़ने झगड़ने के लिए मत जाओ तो दोनों को तकलीफ क्या हुआ जो अपने अपने हाथ का बाना जितना था सब सुपरित कर दिया और कहा क्या आ चमर में आवाज बना आ पलेन में माइक के बना के दियो यानी माइक से हम एमा बाजबे तबे ना हमर दर्शक बुझते सुनते हाउ 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 करे छिए तते चमर में महाराज महाराज अब ठीक है अब ठीक है हेलो हेलो मेरा कहिए तो आप कलम कागज ले आओ अवश्य ले के आते हैं और मैं अपना वीरता खोजूंगा जो आज की डेट में मैं किसको राजा सुपरित करूं वो तो आपने महाराज बहुत गुड बात किए हैं आप जानते हैं जो आप बुढ़ापा हो चुके हैं महाराज ना जाने किसी समय क्या हो जाए तो आपने जो फैसला किए हैं वो तो आपने अच्छा किया महाराज अभी हम लीड कॉपी लेके आते आप ले आए कलम और कागज मैं अपने वीरता के लिए देवनंदन तुम दोनों चिंता न करो जो आज की डेट में जो हमने सुप्रीत की अपने हाथों के चंद्रहास मायाम जो आज से किसी किला लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा यही ना हाँ यानी यही प्रश्न है तुम्हारा बस, बस तो तुम देखते जाओ और किसी क्षणों मिनटों में यहाँ कितना आदमी का सभागम लगेगा अच्छा महाराज हाँ देखिए महाभारत में भी कर्ण अर्जुन वही कहा था जो देखिए पंचाली के रूप में मत जाइए नहीं तो आप सर्वनाश होंगे इसीलिए कहते हैं रघुकुल रीत सदा चल जाई प्राण जाई पर बचनो नहीं तो महाराज मेरा सुनो जो भी राज सोहरे किला से लेकर के जब पिता श्री बनारस वाला मोहब्बा का परेड का झंडा फहराया गया था वो तो फहराया था महाराज तो उस दिन से वो अभिजान के मुताबिक मोहब्बा में चाहे शादी हो विवाह हो या भंडारा हो किसी भी काज कर्म होता है तो पिता की आज्ञा के अनुसार होता वो तो है महाराज तो आप परवाना लेकर राज बनारस किला जाओ जो क्या मारा जो मेरे पिता श्री सेहत है उसके हाथ में देना और अल्लाह का सिग्नेचर है अवश्य जाएंगे महाराज जाओ लिखो परवाना आप कहिए थोड़ा हमको लीड लेने दीजिए लीड लो चलो हाल चला हाँ महाराज कहिए लिखो कोरे कागज कलम दबात झट लिखना मसीहा एक एक बैग ये कहबे तो हेते सुता तभी से तू क्या कर रहा है आही के बाप तो हम सुनै छली लिखो आप कहियो कोरे कागज कलम दबात कोरे कागज कलम दबात झट लिखना मसीहा झट लिखना
मसीहा आना कब तब है? एक सलामी नौनो मोजरा रुको 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 हम आगे कई एक सलामी नौनो मोजरा एक सलामी नौनो मोजरा पिता सुनो।